गुड मॉर्निंग इंटरनेट, गुड मॉर्निंग गाइस। आज एक और जर्नी, एक और एडवेंचर पे निकल रहा हूं मैं। ज्यादा किस मैं बोल लूं यार। आज हम निकल गए अपने रास्ते पे बड़ौद के लिए। अभी ऑलमोस्ट 11 o'clock हमने स्टार्ट किया था, 11:30 बज भी गए। सोचता रहता हूँ आखिर तक कि निकलें कि ना निकलें, क्या करें क्या ना करें। तो अभी निकल गए हैं। दो ट्रैक कर सकते हैं, या तो विंच स्टेशन का ट्रैक, वो तो 4-5 किलोमीटर का ही है, या फिर ट्रैक करें हम ऊपर दैनासुर लेक का। तो दैनासुर एक लेक, ग्लेशियर लेक है, ग्लेशियर लेक का ट्रैक करना मज़ेदार हो सकता है। डेस्टिनेशन बरौद है, बरौद पहुँच के फिर आगे की करेंगे कि क्या कैसे क्या करना है। देख पा रहे हो कि नहीं दोनों साइड से जबरदस्त नहर में पानी है। ये हम अनंतपुर साहब से मुड़े हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए यार अनंतपुर साहब पहुँचते पहुँचते। दिस इज मनाली वाला रास्ता, अभी भी 150-200 किलोमीटर बाकी होगा। 1 किलोमीटर के करीब आ गए हम लोग। पूछे हो गए कि बाइक पे क्यों नहीं आए। 1:30 बज रहे हैं, मतलब 2.5 घंटे हो गए चलते हुए, और अभी सवार घाट पार किया है। बादल ही बादल है, और इधर देखो इस बार पानी, मतलब ये जो सिनेरियो है इससे ये आइडिया लगता है कि कितनी बारिश हुई है इस बार। इतना पानी मैंने कभी नहीं देखा बिलासपुर में। 60% अभी सफ़र बाकी है, जय 5:30-6 बजे तक सूरज नहीं निकला है, सारे टाइम बादल बादल हो रखे हैं। बाइक पे इसलिए नहीं आया, पूछोगे आपकी बाइक पे क्यों नहीं आया, भाई बाइक पे आना चाहिए था। तो बाइक पे इसलिए नहीं आया कि मिसिंग मार रही थी बार बार, थोड़ा सा झटका सा दे रही थी, और एक काफ़ी सामान था जल्दी जल्दी में पैक किया, ऐसे वैसे रखा, तो गाड़ी लेके आना ठीक था। ये नया हाईवे है, ये जो देख रहे हो मेरे पीछे, ये नए वाला हाईवे है। मैं पुल 2-3 टनल से पार करते हुए आए हैं, जो 1-2 टनल का मैंने आपको वीडियो दिखाया। भाई साहब मजा आ रहा है, ठंड ठंडी हवा, एसी बंद हो गया है। 3.5 घंटे का सफर दिखा रहा है, 140 किलोमीटर बढ़ो। तो प्लान नहीं है ट्रैकिंग का, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। अभी हमें आहूर करके यहाँ पे जो नया हाईवे है इस पे, ये नया ही खुला है, ये 2.5 महीने हिमाचल टूरिज्म का रेस्टोरेंट है। तो अभी कुछ खा पी के आगे चलेंगे। हो गया है 3.5 घंटा और लगेगा, फिर हम पहुंच पाएंगे। ये है टनल नंबर 4, और पानी देखो कैसे साइड से आ रहा है, ऊपर से झरना है बिल्कुल उसके टॉप पे, और वो पानी एकदम इसके साइड से निकाला हुआ है। क्या भाई, टनल से जाने का मज़ा ही कुछ और है, क्या करें। तो ये बारिश हो रही है, अनप्रडिक्टेबल है भाई, रास्ता पहुँचने का हो कहीं, ऐसा ना हो कि रास्ता ही ना मिले और ना ही पहुंच पाए। कम से कम 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर और बाकी है रास्ता। मानसून में वैसे निकलना कम चाहिए, निकल भी नहीं रहे हम, पर जो भी है थोड़ा सा घूमने का मन था यार, बहुत दिन से ट्रैकिंग नहीं करी थी। ये एक मानसून ट्रैक है, तो ये फिर मेरा करने का मन था। बारिश शुरू हो गई है, पूरी बारिश हो रही है, ये नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने, ज़्यादा ही बारिश हो गई है क्या, इतना बारिश नहीं एक्सपेक्ट करी थी बिल्कुल भी। काफ़ी तेज बारिश हो रही है चारों तरफ, जाम लग गया है। इतना तेज बारिश नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने, बहुत ज़्यादा ही तेज बारिश हो रही है। बारिश बहुत तेज है, अगर आवाज़ आ रही हो तो आपको। पता नहीं लोग घुमा रहे हैं वापस, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पानी इतना तेज आ रहा है। तो बाहर का सीन कुछ इस तरह से है, पूरा जाम लगा हुआ है चारों तरफ, पूरा पानी बह रहा है पूरी तरह से। कैसे पानी आ रहा है पूरी तरह से,
माय गॉड। पूरा रास्ता कट गया भाई। Look at this. कैसे पानी आ रहा है। माय पानी, कुछ कुछ जगह तो बहुत पानी भरा हुआ है। कैमरे लगे हैं ना ऊपर, ये चालान काटते हैं भाई। Look at this, the way river is flowing. My goodness, क्या खतरनाक है यार, क्या खतरनाक, जबरदस्त, क्या जबरदस्त है भाई। बहुत पानी है, बहुत तेज, और इतना पानी मैंने कभी नहीं देखा इधर। पूरी नदी ऐसे तेज चल रही है ना, पूरी वेग में भर के चल रही है पूरी। नगर निगम मंडी आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये है मंडी, ओके, ऐसा दिखता है मंडी। अब यहाँ से रह गए 65 किलोमीटर, तो पीछे रह गया है मना मंडी। इधर चारों तरफ मंडी है, इधर नदी है, उस साइड से कहीं से हम आए हैं, और अभी हमने रास्ता पकड़ लिया है जो गिरधर नगर का। मैडम जी पुलिस वाली तो कह रही थी कि रास्ता बंद है, आगे सारे रास्ते बंद है। अब पता है, देखो ट्राई करते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एक दो आदमी और मिले थे, वो तो कह रहे थे कि भाई जोगिंदर नगर का रास्ता खुला है। अब ये शक है मुझे कि बरोट का बंद हो सकता है, और हवा तेज होती है इस टाइम पे, वो भी शायद बंद होगी इस टाइम पे। क्या कहते हैं उसको, ऊपर से जो उड़ने वाला पैराग्लाइडिंग भी बंद होगी इस टाइम पे। तो वो आ गए तो पता नहीं कहीं तो जाएंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ज़बरदस्त रास्ता है भाई, कितना सुंदर रास्ता है, इतना ब्यूटीफुल, इतना ज़बरदस्त। चारों तरफ का व्यू देखो, क्या जबरदस्त पहाड़ है। भटोग आ गया, यहाँ से 40 किलोमीटर और रह गया होगा। घटासनी से रास्ता जाएगा घटासनी। बारिश तो यहाँ पर भी हुई हुई है, साफ दिख रहा है कि रोड गिली है। देखो भाई दूर क्या वाटरफॉल गिर रहा है, ब्यूटीफुल इधर, वाह। तो देखो दूर अगर दिख रहा है तो वाटरफॉल जबरदस्त वाला, देखो ऑसम वाटरफॉल, माय गुडनेस, जबरदस्त है यार, क्या गिर रहा है पानी। तो काफ़ी ऊपर क्लाइम करके आ गए हम, घटासनी काफ़ी ऊपर है, फिर जो बड़ोत वाली है वो काफ़ी नीचे है। पूरे बादलों के बीच में अब हम पहुंचने वाले हैं, बादलों के बीच से हम जा रहे हैं। बड़ा सुंदर लग रहा है, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार व्यू, वाह। ये देखो सीन, क्या खतरनाक सीन है भाई साहब, एकदम डार्क हो गया है, सिर्फ बादल ही बादल, बादल ही बादल है। खतरनाक सीन है भाई, देखो भाई सीन। थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी पड़ रही हैं, बट सीन क्या जबरदस्त है, वाह। लुक एट दिस, लुक एट दिस मैन, जबरदस्त है ना, क्या बात है, क्या बात है, क्या सीन है भाई, क्या सीन है, वाह ब्यूटीफुल, अमेजिंग है भाई, जबरदस्त। तो घटासनी हम पहुंच गए, एक बार रास्ते का पूछ लेते हैं, पता नहीं क्या से राइट राइट बोल रहा है।
भाई साहब बड़ौद का रास्ता खुला हुआ है, कैसे पता चलेगा? अच्छा भाई साहब बड़ौद का रास्ता खुला है क्या, जा सकते हैं? सही है ना, मतलब मैं चला जाऊंगा ना। ये रास्ता है बड़ौद का, कह रहे बस जा रही है तो हम भी चले जाएंगे। तो अभी बड़ौद के लिए हम मुड़ गए, रास्ता तो खुला है तो फिर तो ठीक है, रास्ता खुला है तो देखो क्या सीन है। इधर से पूरे बादल बादल हो रखे, जबरदस्त सीन है। और ये अपने रैम फेरी बेचारी के, इसके तो पैर में हवा कम लग रही है मुझे थोड़ी सी, चलो भरेंगे आगे जाके, इसीलिए शायद थोड़ी सी एवरेज कम दे रही है। तो नीचे देखो पूरे क्या जबरदस्त बादल आ रहे हैं यार, है ना, नंबर वन सीन है। तो ये पतला सा रोड जा रहा है बड़ौद को, अब निकल ब्यूटीफुल जंगल है, क्या सीन है, हैं? पूरे बादल है यार, पूरा अंधेरा है, आई डोंट नो इसमें क्या जस्टिफाई होता है कि नहीं, बट एकदम डार्क है, पूरा डार्क हो रखा है सिर्फ बादलों की वजह से। अभी सिर्फ बजे हैं 5:30, अंधेरा नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पूरा डार्क हो रखा है। चारों तरफ दिखाता हूँ मैं आपको, क्या सीन है भाई, जबरदस्त ब्यूटीफुल सीन, क्या सुंदर सीन है भाई, देखो अमेजिंग ना, नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल। ठंडा ठंडा बारिश हो गई है, शायद बहुत तेज वाली बारिश। क्या ब्यूटीफुल वाटरफॉल है भाई, मस्त जबरदस्त पानी आ रहा है। अच्छी खासी बारिश हो रही है पूरी तेज। ये हम बड़ौद पहुंचने वाले हैं, तो बड़ौद के पास ये सिचुएशन है, नेटवर्क है नहीं, ये डॉगी बैठा हुआ गोलू मोलू सा, ये अपने राम पे आ रही और ये पूरी बारिश हो रही है अच्छी खासी। बैंक से पैसे निकलवाए हैं तो खड़े हैं यहाँ पे, चलते हैं अभी आगे। तो पहुंच गए हैं बड़ौद पहुंच गए, अच्छा सा रेस्टोरेंट सा लग रहा है, पापा स्पेशल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी है, मिचो भी। तो यहीं कहीं कोई होटल ले लेते, ऑफ सीजन है वैसे तो, देखते। कोई कैंपिंग करने का मन था बट क्या से होटल ले लेना बेटर है। पहुंच गए बड़ौद और ये यहाँ का मशहूर फाउंटेन है, अपने आप नेचुरली ये जो नदी का प्रेशर बन के ये फाउंटेन चलता है, क्या बात है, क्या ब्यूटीफुल है यार। और कितना ऊंचा जा रहा है, अच्छी बात नहीं है, काफ़ी हाइट है। वाह, क्लोज से देखते हैं।